नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज का जो वीडियो है थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो है न्यू ब्लॉगर के लिए। तो बहुत ही सारे ब्लॉगर मुझे कमेंट्स करके या मैसेज करके बताते रहते हैं कि भाई हम ब्लॉगिंग को क्विट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई हम कीवर्ड ही नहीं मिल रहा है कि जिसके अंदर हम वर्क करके जो ब्लॉगिंग के अंदर आगे बढ़ सके। तो आज का वीडियो आप देखते रहिए, आज का वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आप ब्लॉगिंग क्विट नहीं करोगे और आप भी जो ब्लॉगिंग के अंदर आज से वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो वीडियो देखते रहिए। आज का जो कम्प्लीट वीडियो है वो वीडियो स्पेशल न्यू ब्लॉगर के लिए है। अब देखिए, न्यू ब्लॉगर आजकल के कॉम्पिटिशन के अंदर क्या करते हैं, एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, इसके बाद कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अच्छी तरह से कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाते तो इसको एक बेस्ट कीवर्ड नहीं मिलता और आगे जाके जो इसके ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक नहीं आता, ट्रैफिक नहीं आने की वजह से वो ब्लॉगिंग क्विट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, 2019 के अंदर भी आप परफेक्ट वे से अगर हार्डवर्क करके कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो देखिए, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आजकल के कंपटीशन के अंदर भी आप बेस्ट कीवर्ड फाइंड करके इसके ऊपर वर्क करके अच्छा खासा ट्रैफिक भी ला सकते हो और ट्रैफिक लाने के बाद आप अर्निंग भी कर सकते हो और आप अपना करियर ब्लॉगिंग के अंदर बना सकते हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च किए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए मुझे दूसरे ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर दो कीवर्ड फाइंड किए हैं बहुत ही मेहनत करके। ये पहला वाला कीवर्ड है और इसके बाद ये दूसरा वाला कीवर्ड है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसमें से एक कीवर्ड बता दूंगा कि मैंने जो कौन सा कीवर्ड यहाँ पर रिसर्च किया है, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशनल मिले। अब देखिए, एक कीवर्ड मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये कीवर्ड फाइंड करने के लिए मैंने बहुत ही सारा हार्डवर्क किया है, दिन और रात को एक किया है, तब जाके मुझे ये कीवर्ड मिला है। तो मैं आपको जो इसे एनालाइज करने से पहले सॉरी कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर बुरा नहीं लगाना है। अगर मैं आपके सामने एक कीवर्ड शो कर दूँगा तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है। आपके मोटिवेशन के लिए मैं एक कीवर्ड आपके लिए शो करूँगा, ये दूसरा वाला, वीडियो के लास्ट में कि ये कीवर्ड कौन सा है, लेकिन ये कीवर्ड मैं आपके सामने शो नहीं करूँगा और इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। एक और बार मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, आपको बुरा नहीं लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है और कीवर्ड सिलेक्ट किया है, इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर मैंने इंडियन ट्रैफिक को टारगेट किया है। तो ये कीवर्ड आपको इंडिया के अंदर ही रैंक करवाना पड़ेगा और ये कीवर्ड बहुत ही अच्छा है और मुझे स्पेशली पसंद आया, इसका डोमेन वगैरह भी अवेलेबल है। तो देखिए, ये कीवर्ड है, इसकी जो सर्च वॉल्यूम इंडिया के अंदर अच्छी खासी है, 12,000। इसका मतलब कि अगर आपके साइट के अंदर 1,000 लोग भी आते हैं जो इसे रैंक करवाने के बाद, और इसकी देखिए जो आप CPC यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कीवर्ड की वैल्यू कितनी है। अब देखिए, पर क्लिक आपको $24 मिलेगा। अगर आप एक कीवर्ड इंडिया के अंदर रैंक करवाते हो और गूगल के फर्स्ट पेज पे अगर आप ला पाते हो तो। इसके बाद हम इसकी SEO डिफ़िकल्टी की बात करें तो देखिए, 21, इसका मतलब कि ये जो कीवर्ड है अगर आप इसके ऊपर डिटेल में वर्क करोगे तो ये कीवर्ड आप आसानी से गूगल के अंदर रैंक करवा सकते हो। 21 SEO डिफ़िकल्टी, इसका मतलब कि बहुत ही आसान है। इसके बाद तो मुझे तो एक कीवर्ड की स्पेशल बात ये लगी कि अगर आपको ये कीवर्ड गूगल के टॉप 10 के अंदर जो रैंक करवाना है तो आपको जस्ट 193 बैकलिंक चाहिए और ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है कीवर्ड के लिए। तो ये कीवर्ड बहुत ही परफेक्ट है, इसकी CPC परफेक्ट है और इसकी सर्च वॉल्यूम भी परफेक्ट है। अगर आप हार्डवर्क करते हो और जो यहाँ पर डिटेल में कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आजकल के कंपटीशन के अंदर बेस्ट कीवर्ड मिलना नामुमकिन नहीं है। तो ओवरऑल और ये वीडियो बनाने का एक ही जो मकसद है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉगिंग के अंदर आपको बेस्ट कीवर्ड नहीं मिलते तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप रिसर्च करते रहिए, एक दिन, दो दिन, एक एक वीक तक आप रिसर्च कीजिए, इसके बाद आपको जो आपका कीवर्ड है वो ज़रूर मिलेगा। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड फाइंड कर लिया है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको मेरी प्रोसेस दिखा देता हूँ कि मैं एक्चुअली जो बेस्ट कीवर्ड मिलने के बाद इसके ऊपर क्या करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो बहुत तीसरा टाइम देता हूँ कीवर्ड रिसर्च करने में, कीवर्ड मिलने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका एक स्पेशली डोमेन परचेज करता हूँ जो कि ये जो मेरा कीवर्ड है इसके अंदर कंप्लीट कीवर्ड इंक्लूड हो। फॉर एग्जांपल, मुझे कीवर्ड मिला हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग,
तो मैं क्या करता हूँ, एक डोमेन परचेज करता हूँ जिसका एक्सटेंशन must.com रखता हूँ, और मैं बने इतनी कोशिश करता हूँ कि जो डोमेन है इसके अंदर हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग इंक्लूड हो। इसके आगे पीछे आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके डोमेन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद अब देखिए, ये जो कीवर्ड है वो इसके ऊपर आप बहुत ही सारे पोस्ट वगैरह लिख सकते हो। तो मुझे तो ये जो कीवर्ड है वो काफ़ी अच्छा लगा और मैंने बहुत ही सारा हार्डवर्क करके ये कीवर्ड फाइंड किया है। तो ये कीवर्ड की हमने यहाँ पर बात कर ली, और वीडियो का मकसद आपको ऑलरेडी पता है कि मैं सभी जो न्यू ब्लॉगर है इसको मोटिवेशन करना चाहता हूँ ताकि वो लोग ब्लॉग स्टार्ट करके इसको क्विट ना करें, और डिटेल में अगर रिसर्च करते हैं तो इसको भी आगे जाके बेनिफिट मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला कीवर्ड। ये कीवर्ड की मदद से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा मोटिवेशनल मिला होगा कि आप भी ये कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो। इसके बाद हम दूसरे कीवर्ड की बात करें। अब देखिए, ये कीवर्ड को भी मैंने इंडियन ट्रैफिक को टारगेट किया है, तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड को शो नहीं करवाया है। अब मैं आपको एक सरप्राइज दे देता हूँ और कीवर्ड आपके सामने शो करवा देता हूँ। तो देखिए, फाइनली मैंने आपके सामने कीवर्ड शो कर दिया है। अब देखिए, कीवर्ड का नाम है फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, और आपको पता होगा कि इसके ऊपर आप आसानी से वर्क कर सकते हो। अब देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक डोमेन चूज करना है जिसके अंदर जो फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट इंक्लूड हो। किसी भी प्रकार का डोमेन हो, जितना भी लंबा हो, इसका आपको एक्सटेंशन must.com रखना है, और आपको बनने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप इसे इंक्लूड कर दीजिए। इसके बाद देखिए, अब इसकी खास बात यह है कि अब देखिए, SEO डिफ़िकल्टी इसकी 15 है, इसका मतलब कि आप आसानी से गूगल के अंदर इसे रैंक करवा सकते हो। इसके बाद इसके ट्रैफिक की बात करें तो इंडिया के अंदर एक मंथ के अंदर गूगल के अंदर 6000 लोग ये कीवर्ड सर्च करते हैं। अगर आपका जो वेबसाइट गूगल के टॉप 10 के अंदर आता है तो मिनिमम 1000 लोग आपके ब्लॉग के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। तो और इसकी देखिए, आपको देखिए CPC $18 है। तो यहाँ पर हम अगर जो अंदाज़ा लगाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ कैलसी ओपन करके। तो देखिए, यहाँ पर कैलसी ओपन हो चुका है। तो सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं तो आपको पता होगा कि CPC टोटली डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। कभी भी आपको इतना CPC नहीं मिलेगा, ये एक एस्टिमेटेड CPC है। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं सिंपल। अब देखिए, आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा, अच्छा डिज़ाइनिंग किया, तो आपको पर क्लिक का $7 मिल गया फॉर एग्ज़ाम्पल। और आपके वेबसाइट के अंदर 6000 में से जो 1000 लोग आते हैं, इसमें से 20 लोग आपके जो एड के ऊपर क्लिक करते हैं। मंथली में आपको बता रहा हूँ, पर डे का नहीं बता रहा हूँ। एक मंथ के अंदर आपके साइट के अंदर 1000 लोग आते हैं, इसमें से जस्ट 20 लोग आपके एड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो क्या होगा, देखिए 7 × यहाँ पर 20 कर देते हैं तो आपका यहाँ पर मंथली कितना बनता है, $114। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए इनफ होगा। मैं आपको जस्ट वन कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट ब्लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये कीवर्ड के ऊपर वर्क करना है, एक वेबसाइट बनाना है, इसके अंदर आपको परफेक्ट आर्टिकल लिखना है, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, इसके अंदर आपको 10-15 टेम्पलेट लिस्ट करने हैं, और इसके अंदर आपको एडसेंस का एड लगाना है। तो ये जो आपका अर्निंग होगा, अब देखिए ये एक एस्टिमेटेड अर्निंग है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जो डिटेल में वर्क करोगे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सभी ब्लॉगर है वो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, आप ऐसे ही जो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। तो ये सभी बातें हैं। फाइनली मैंने आपके सामने एक कीवर्ड को लिस्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर वर्क करना है। लेकिन ये ऑडियो बनाने का मकसद एक ही है कि अगर आप जो हार्डवर्क करते हो तो आपको भी जो परफेक्ट कीवर्ड मिल सकता है जिसके अंदर आप वर्क करके आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हो। और बहुत ही सारे जो ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि 2019 के अंदर ब्लॉगिंग एंड हो गया, ब्लॉगिंग के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बिल्कुल गलत है, अगर आप रियली हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, ब्लॉगिंग के अंदर अपना टाइम देते हो, तो आप भी ब्लॉगिंग के अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो सेम वे में देखिए, ये जो कीवर्ड मैंने आपको बताया इस तरह से, मेरे पास जो मेरा ड्रीम कीवर्ड है वो यहाँ पर है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डिटेल में वर्क करूँगा, इसके जो इसको एक न्यू ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट करके एक ब्लॉग सेट करूँगा, इसके अंदर कस्टमाइजेशन कंटेंट ऐड करूँगा, एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल, इसके अलावा भी जो रिक्वायर पेजेस है वगैरह। इसके बाद आपको पता है कि आपके पास अगर एक एडसेंस का अकाउंट है तो इसके अंदर आपको साइट को ऐड करोगे। तो अगर आपके खुद की साइट है, इसे आप ऑथोराइज करवाते हो, तो विद इन वन डे आपका जो वेबसाइट है वो एडसेंस के लिए रेडी हो जाता है, और आप आसानी से एडसेंस की एड लगा सकते हो। तो अब मैं ये प्रोसेस को फॉलो करूँगा। मेरे ख्याल से इसके अंदर मुझे एक वीक लगेगा ये कम्प्लीट साइट को सेटअप करने के लिए,
सेटअप करने के बाद ये वेबसाइट रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके अंदर जो बैकलिंक बनानी है, इसके बाद इसका जो डोमेन का स्कोर वगैरह इम्प्रूव करना है, वो सभी प्रकार के वर्क स्टार्ट कर देने हैं। तो मेरे ख्याल से 2-3 मंथ के अंदर ये वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक हो जाएगा। और जैसे रैंक होता है तो आसानी से आपको पता है कि जो हमारा सिंपल कैलकुलेशन है कि 10,000 लोग इसे सर्च करते हैं इंडिया के अंदर, अगर इसमें से 1,000 लोग भी आपकी साइट के अंदर आते हैं, 1,000 लोग आने के बाद मंथली आपके जो एड है इसके अंदर जस्ट 20 लोग भी क्लिक करते हैं, जस्ट 20, तो भी आपकी जो अर्निंग है वो $100 प्लस हो जाएगी। तो ये सभी कैलकुलेशन चलता रहता है, सभी ब्लॉगर के जो ऐसा ही कैलकुलेशन होता है। तो आपको भी इस तरह से ब्लॉगिंग करनी चाहिए तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ब्लॉगिंग ख़त्म नहीं हुआ है, आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। कंपटीशन तो बढ़ता रहेगा लेकिन आप जिस तरह से हार्डवर्क करते हो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है और आपको आगे हार्डवर्क करता रहना है तो ही आपको ब्लॉगिंग के अंदर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, और आई होप कि आज से आप एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट करोगे और इसके ऊपर आप वर्क करोगे। अब देखिए, जो अगर आपको ये, मैंने आपको आपके सामने कीवर्ड यहाँ पर लिस्ट कर दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ये कीवर्ड के ऊपर ही वर्क करना है। अगर आपको लगता है कि आपको रियली ब्लॉगिंग करनी है तो आप क्या कीजिए, एक वीक तक डिटेल में कीवर्ड रिसर्च कीजिए कि आपको एक ऐसा कीवर्ड चाहिए जो एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड और इंडिया के अंदर स्पेशली इसे सर्च करते हैं। इसके बाद आप एक ब्लॉग स्टार्ट कीजिए तो मुझे लगता है कि आपको जो इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इस कीवर्ड के ऊपर आप वर्क करोगे तो मेरे ख्याल से आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कीवर्ड आपके सामने आ चुका है, इसके ऊपर बहुत ही सारे लोग अब वर्क करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक दूसरा कीवर्ड फाइंड कीजिए हार्डवर्क करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा है। मैंने आपके सामने शो नहीं किया, इसके लिए मैंने आपको सॉरी भी कहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्क करना चाहता हूँ और ये मेरा एक ड्रीम कीवर्ड है और बहुत ही अच्छा और परफेक्ट कीवर्ड है। तो आप इस तरह से ब्लॉगिंग के अंदर वर्क कीजिए, आपको इसका ज़रूर बेनिफिट मिलता है। और अगर आपने एक बार तो आपका ब्लॉग शेयर कर दिया तो इसकी अर्निंग भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ ये ब्लॉग की मदद से। तो ये सभी बातें हैं, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं इन फ्यूचर तो हमारा चैनल अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके बाद आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो सोशल मीडिया के अंदर आप शेयर कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर कर दीजिए और इसे बताइए, व्हाट्सएप के अंदर शेयर कीजिए और बताइए कि आप इस तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हो और ब्लॉगिंग के अंदर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।